नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गेंदे के फूल के सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक आसान से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि इस गेंदे के फूल के सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करें, क्योंकि हम अगर इसे अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं करेंगे तो जो इसका जर्मिनेशन रेट है, जैसे हम अगर इसे नेक्स्ट सीजन के लिए ग्रो करेंगे तो जो इसका ग्रोथ होगा और जो इसका जर्मिनेशन रेट होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब अगर हम इसे अच्छे तरीके से कलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाएंगे इसे कलेक्ट करने के लिए, तो जो इसका ग्रोथ होगा, जैसे इसका जर्मिनेशन रेट होगा, वो 100% होगा। सबसे पहले हमें गेंदे के सीड्स को कलेक्ट करने के लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सूखे हुए जो फूल हैं, जो सूखे हुए गेंदे के फूल हैं, उसे ही कट करके कलेक्ट करना चाहिए। और ध्यान रखें कि जो सूखे हुए फूल नहीं हैं, जैसे कि जो अभी देख सकते हैं कि ये सूखा हुआ फूल नहीं है, अभी हल्का हल्का इसमें जो है ये नमी बना ही हुआ है, तो इसे आप कभी भी कलेक्ट ना करें। होता क्या है कि अगर हम इसे तोड़कर कलेक्ट कर लेंगे तो इसका जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, वो अच्छा नहीं होगा, जो इसका जर्मिनेशन रेट है वो 100% नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि आप हमेशा ही जो है सूखे हुए गेंदे के फूल को ही कट करें और इसे कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए रखें। तो फ्रेंड्स, मैं इस गेंदे के सीड्स को एक या दो दिनों के लिए धूप में सुखा लूँगा। आप या तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं या तो छांव में भी सुखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप अगर इसे धूप में सुखा रहे हैं तो एक या दो दिनों के लिए ही सुखाएं, और अगर इसे छांव में सुखा रहे हैं तो 3 से 4 दिनों तक ज़रूर ही सुखा लें, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर बचा हुआ रहेगा तो जो ये सीड्स जो होते हैं, जो गेंदे के सीड्स, इसमें फंगस लग सकते हैं या किसी भी प्रकार के कीड़े जो हैं इसमें पनप सकते हैं, तो जो ये सीड्स हैं वो बेकार हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये सीड्स हैं, जो गेंदे के सीड्स हैं, उसे आप हमेशा जो है कलेक्ट करने के लिए इसे सुखा कर ही कलेक्ट करें, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार के फंगस या किसी भी प्रकार के कीड़े ना लगें और ये जो है नेक्स्ट सीजन के लिए हमेशा जो है तैयार रहें। गेंदे के सीड्स को रखने के लिए हमेशा ही एयर टाइट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर इसमें एयर जाता रहेगा तो इसमें मॉइस्चर हो सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि एयर टाइट बॉक्स ही लें, या तो आप किसी भी प्रकार के पॉली बैग ले सकते हैं जिसमें कि एयर जो है आसानी से नहीं जा सके। तो अब मैं एक एयर टाइट बॉक्स ले लेता हूँ, जिसमें कि मैं ये जो गेंदे के जो सीड्स हैं जो सूखे हुए, इसे मैं रख के और अच्छे तरीके से नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर कर लूँगा। लेकिन अगर इसे रखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से और भी अगर इसमें फंगस सोचते हैं कि अगर ना लगें, तो आप इसमें हमेशा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें। हल्दी पाउडर जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, इससे जो है किसी भी प्रकार के इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा या किसी भी प्रकार के फंगस जो हैं वो नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर सीड्स को कलेक्ट करके बॉक्स में रख रहे हैं या तो कहीं भी पॉली बैग में रख रहे हैं, एयर टाइट पॉली बैग या तो एयर टाइट बॉक्स में, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है इसे छिड़क दें, उसके बाद ही जो है इस बॉक्स के ढक्कन को बंद करें। तो अगर आप इसमें ऐसे जो सीड्स हैं अगर कलेक्ट करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार के फंगस की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, यह रहा आज का सवाल। गेंदे के बीज की तरह हम और कौन कौन से फूलों का बीज नेक्स्ट सीजन के लिए कलेक्ट करके रख सकते हैं? तो आप अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली किसी के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन उन तक मिल सके और यह इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।